स्टूडेंट, तो मैं उत्तर यादव स्वागत करता हूँ आपकी अपनी कोचिंग स्टडी कैंपस और आपके अपने यूट्यूब चैनल मीडियम मैथ एकेडमी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूलर फॉर्मूला। चलिए देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है? यूलर फॉर्मूला चेक किया जाता है क्यू क्यू बाय अदर फले उसमें, ठीक है। तो यूलर फॉर्मूला जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एस प्लस का टू। ये है हमारा क्या, यूलर फॉर्मूला। तो चलिए यूलर फॉर्मूला क्यूबॉइड पर चेक करते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, कोई क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, एक क्यूबॉइड है, इसको नाम दे लीजिए आप ए बी सी डी ई एफ जी डब्ल्यू एच। अब इस पे यूलर फॉर्मूला चेक कैसे किया जाएगा, इस पे यूलर फॉर्मूला चेक कैसे किया जाएगा? तो वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो कॉर्नर हमारे होते हैं, मतलब जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये एक 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 और। अब जीनियर वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास कॉर्नर, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं, आठ हैं। अब फेस कितने होते हैं, फेस एक तो इसका पोर्शन हो गया इस वाले का, ठीक है, दूसरा इसका पोर्शन हो गया, तीसरा एक नीचे वाले का पोर्शन और चौथा एक ये पोर्शन, ठीक है, ये हो गया। अब एक पीछे वाला जो रेक्टेंगल है उसका पोर्शन तो कितना हो गया, ये वाला जैसे पांच, और एक आगे वाले रेक्टेंगल का पोर्शन, तो कितने फेस में टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव, और एक अब पीछे वाला और वो क्या हो गया हमारा, सिक्स हो गया, फेस सिक्स हो गया। अब हमारा एज क्या होता है, एज हमारा जितनी साइड होती वो, जैसे ही पीछे एक रेक्टेंगुलर दिए हुए हमारे पास उसमें कितनी साइड है, चार, आगे एक रेक्टेंगल था हमारे पास चार, और चार कितनी हो गई, आठ साइड, और नौ दस ग्यारह और बारह, एज हमारे पास कितने दिए हुए हैं, बारह दिए हुए हैं। इसको यूलर फॉर्मूले पर रख लीजिए, अगर ये जो हम निकाले हैं अगर ये सही होगा तो उसके बराबर में टू आएगा आंसर में, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला था, एफ प्लस बी, ये प्लस का ई है इधर आया, माइनस का ई बराबर टू, ये चेक करने का इसका क्या है फॉर्मूला है। तुम्हारे पास फेस कितने हैं, सिक्स है, वर्टिसेस कितने हैं, एट है, और माइनस का एज कितना है, बारह है। आठ और छः को जोड़ेंगे, चौदह माइनस बारह आएगा हमारा कितना, दो। तो इसके बराबर दो आ गया, ठीक है। अगर इसके बराबर दो आ जाता है तो हमने जो निकाला है वो क्या है हमारा, सही है। इसी तरह यूलर फॉर्मूले को आप क्यूब पे चेक कर सकते हैं, कोन पे चेक कर सकते हैं, अदर सारे मैथमेटिक्स के उस पर, ज्योमेट्रिकल पर चेक कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको